नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, गन्ना पौधा यदि पीलापन लिए हुए है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई शाइनिंग दिखाई नहीं पड़ रही है और वह रूखा रूखा सा नज़र आ रहा है और आपको लगता है कि गन्ना पौधा बढ़वार भी नहीं कर रहा है जबकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई कीट नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना है जिससे गन्ना पौधे पर विशेष प्रकार की शाइनिंग आ जाए, उसका रूखापन दूर हो और वो तेज़ी के साथ बढ़वार करने लगे, इसी की जानकारी आपको मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, इसके लिए हमें दो तरीके से काम करना होगा। इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का उर्वरक का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले हमको, क्योंकि अब बरसात शुरू होने वाली है तो समय कम है, तो आपको फिर अपने गन्ना पौधे की खुदाई और जुताई का समय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि खरपतवार निकाल दें, फावड़ों की मदद से उसकी खुदाई करें और गहरी से गहरी जुताई करें, तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद आपको एक 11 मिला आता है, कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, 11 मिला कॉम्प्लेक्स। ये खाद काफ़ी अच्छा है और इससे आपके गन्ना पौधे को काफ़ी तत्व मिल जाते हैं। जो आप कई बैग लगा करके देते हैं वो आपका एक ही बैग से काम हो जाता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे ज़रूरी तत्व हैं जो आपके गन्ना पौधे के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं और उनसे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसमें होता है नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 11% और पोटास 18%। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम 1.2% होता है और सल्फर 7.6% होता है। अब जो आपको गन्ना पौधे को जो नाइट्रोजन है वो भी इससे मिल जाती है, 12% मिल जाती है। और नाइट्रोजन से जो गन्ना पौधे पर एक तो कलर आता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। इसके अलावा जो आपकी फास्फोरस है ये तने को भी मजबूत करता है और साथ ही साथ ये जड़ों का विकास करता है, जो जड़ें हैं उनकी लंबाई को ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे कि ज़मीन के जो तत्व हैं उनको ये ग्रहण कर लेता है और गन्ना पौधे तक पहुंचा देता है। इसके अलावा पोटास है, पोटास का जो 18% है गन्ने की मोटाई को बढ़ाएगा। अब आया है मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है 1.2%, तो मैग्नीशियम से बहुत ही अच्छा कलर गन्ना पौधे पर आता है। यदि उसका रूखा रूखापन है उसमें और पीलापन है तो ये एकदम से शाइनिंग लाता है, तो मैग्नीशियम इसलिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है गन्ना पौधे को पहुँचाता है। अब आ गया सल्फ़र, 7.6%। सल्फ़र का काम दो तरीके से है, ये खाद का काम भी करेगा और ये फंगस को भी हटाएगा और साथ ही साथ ये भी कलर लाने का काम करता है, ये भी गन्ने पौधे पर जो रूखापन है उसको दूर करता है। तो इसलिए एक कंप्लीट डोज है, इसे आप 12.5 kg पर एकड़ के हिसाब से जब आप गन्ना जुताई करें उसमें यूज़ करें और फिर इसकी गन्ना जुताई कर दें, यानी एक जुताई से पहले आपको ये गन्ना खेत में लगाना है और फिर इसकी जुताई करनी है ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए और गन्ना पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। फिर इसमें आपको पानी लगाना है तो इसका 100% रिजल्ट आपके गन्ना खेत में आएगा। इसका जो एक बैग है वो 25 kg का आता है और उसकी लगभग कीमत जो है 1800 रुपये के आसपास है। देखने में काफ़ी कीमत लगती है, लेकिन एक एकड़ में ये 12.5 kg लगेगा तो आपका खर्चा 900 रुपये के आसपास आता है, क्योंकि जब आप गन्ना पौधे पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसमें आप NPK का यूज करते हैं या SSP का करते हैं या DAP का करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका काफ़ी खर्च आ जाता है। यदि आप गन्ना पौधे पर मिट्टी चढ़ाते समय भी इसका यूज़ करें तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब ये जो अगर आपने एक बैग ले लिया और यदि आप दो बार लगाना चाहें तो बीच में कम से कम 25 दिन का गैप रखें, 25 दिन के बाद दूसरी खुराक आप उसको दें। यह मानकर चलो कि यदि आपने गन्ना पछेती बुआई की है तो उसके आप पहले पानी पर या दूसरे पानी पर आधी खुराक लगा सकते हैं, यानी कि 12.5 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करें और उसके बाद जब उस पर आप मिट्टी चढ़ाएं तो 12.5 kg जो आपकी बैग में से बचती है वो उस समय यूज करके जुताई करने के बाद आप मिट्टी चढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, गन्ना पौधे की जो रूखापन है उसको दूर करेगी, उस पर शाइनिंग लाएगी, उसकी बढ़वार भी बहुत तेज़ी के साथ करेगी। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।